Hello students, welcome back to my channel. So students, in our previous video we have studied about the physical properties of metals and non-metals. हमने physical properties के बारे में पढ़ा था metals and non-metals की. Today we will talk about the chemical properties of the metals. हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? Metals की chemical properties के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इट टू कैटायन. ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कैटायंस में कन्वर्ट होते हैं. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, मतलब उनमें कैटायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है. ठीक है, अब व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? क्यों वो कैटायन में कन्वर्ट होते हैं? बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है. दैट्स व्हाई दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है, उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, इसलिए वो इजीली कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं. नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप किसी भी मेटल को दोगे ताकि उससे क्या निकाल सको, जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल सको और उस मेटल को किस में कन्वर्ट कर सको, कैटायन में कन्वर्ट कर सको, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इन टू कैटायन. दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव द आइसोलेट, टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom so as to convert it into cation. वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किस लिए? आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. अब ये आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर हम जैसे हमारे पास मेटल है, एक मेटल में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, आप मेटल लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही एटम उठाओगे. ठीक है, बिकॉज एटम का साइज बहुत छोटा तो होता है, तो एक एटम ऐसे पकड़ पाना तो पॉसिबल नहीं है कि आपने बॉल पकड़नी है, बॉल पकड़ लिया आपने. ठीक है, तो पहले आपने क्या करना होगा, जो एक एटम है उसको बाकी एटम से सेपरेट करना होगा. ठीक है, आइसोलेट करना होगा. क्यों? क्योंकि एक एटम पे दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस भी तो पड़ेगा. एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से भी लिटिल बिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेन करेगा. एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन क्रिएट करेगा, यानी उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन है.
ठीक है, तो उससे जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, क्लियर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक एटम को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे। जब वो आइसोलेट हो जाएगा यानी उस पर और किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तब हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उस एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैटायन, इलेक्ट्रॉन आता है तो एनायन, क्लियर, ठीक है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई। अब बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे शोज अ नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फर्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लियर। क्यों, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। सेकेंड, रिएक्शन विद वॉटर। थर्ड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। फोर्थ, रिएक्शन विद क्लोरीन। फिफ्थ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सिक्स्थ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग बिहेवियर। एंड सेवन, रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की, जो किस वजह से है, ये पूरी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से, क्लियर, ठीक है। नाउ इन सात प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसे पार्ट्स में करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली दीज टू प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वॉटर, क्लियर। तो आज हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एक रिएक्शन विद वॉटर। ओके, फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्लियर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो हमारे मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल होते हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Mg है, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 282, क्लियर। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास दो चांसेस है, ठीक है, इसके पास दो तरीके हैं, सॉरी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते तो क्या हो जाएगा, 28। अब आउटर मोस्ट शेल ये हुआ जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा हो गया। या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो हो जाएगा 288। अब आउटर मोस्ट शेल ये हो गया तो भी ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में से ज्यादा आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये प्रेफर ये करेगा। दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब देखो मैग्नीशियम जो था उसमें 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे, यानी +12 और -12, तो +12 -12 क्या हो गया, 0। इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब इस मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना नेगेटिव चार्ज, -10। अब मैं अगर +12 -10 करूं तो कितना चार्ज बचेगा, +2, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2, 2, 8।
तो मैग्नीशियम गेट कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और प्रोटॉन्स भी होते हैं 8. ठीक है, ऑक्सीजन 2 6. अब इसके पास भी दो तरीके हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे. तो आसान क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो मैग्नीशियम देगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव 2 8. अब ऑक्सीजन के पास इस ऑक्सीजन के पास यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस ऑक्सीजन के पास जितने प्रोटॉन्स थे अभी भी उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस 2. इसके ऊपर माइनस 2 आ जाएगा. अब Mg 2 पॉजिटिव प्लस O 2 नेगेटिव, दे रिएक्ट्स टू फॉर्म MgO एंड दिस इज ऑक्साइड. क्लियर, ये क्यों रिएक्शन हुई, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं नेचर में, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी नहीं रखते तो ये रिएक्शन नहीं होती आगे. क्लियर, ठीक है. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल्स हमारे क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे. ठीक है ना, अब अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियो की, हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था वी हैव 92 मेटल्स इन आर पीरियोडिक टेबल. हमारे पास 92 मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और हर मेटल आपका सेम स्पीड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, इट इज नॉट पॉसिबल. डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद डिफरेंट स्पीड. हर मेटल की अपनी स्पीड होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की. क्लियर, क्यों, क्योंकि हर मेटल आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता. क्लियर, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतनी ही आसानी से वो किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा. तो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो स्पीड होती है उनकी, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है. क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे अगर आप सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को अगर आप नॉर्मल अगर एयर पे रख दोगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो उसमें फायर हो जाएगी, यानी वो जल जाएगा, यानी उनकी रिएक्शन इतनी ज्यादा वॉयलेंट होती है विद ऑक्सीजन, वो इतने फास्ट रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कैप्ट अंडर द केरोसिन. इसलिए उन्हें हमेशा किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें बाहर निकालेंगे अगर वो एयर की कॉन्टैक्ट में आए तो वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करेंगे और जल जाएंगे. क्लियर, यहां पर रिएक्शन क्या होती है के प्लस ओ टू गिव्स के टू ओ एंड एन ए प्लस ओ टू गिव्स एन ए टू ओ, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड. क्लियर, तो जो सोडियम एंड पोटेशियम है दे रिएक्ट वॉयलेंटली विद द ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर इवन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे. क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड. अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जितने वॉयलेंटली आपका सोडियम और पोटेशियम करता है उतने वॉयलेंटली तो नहीं करते, पहली बात. ठीक है, दूसरी बात, सोडियम और पोटेशियम बर्न हो जाते हैं. ठीक है, मतलब जल जाते हैं, लेकिन ये जलेंगे नहीं. यस, दे रिएक्ट्स विद रूम दे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. ये भी रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बट वेरी स्लो. और दूसरी बात, ये जलते नहीं है, दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर. वो एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं लेकिन जलेंगे नहीं. क्लियर, लेकिन
अगर मैं थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करूं, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर रही हूं, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट एंड कन्वर्टेड टू व्हाइट पाउडर. ठीक है, मैग्नीशियम क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी मैं हीट प्रोवाइड करूं, क्लियर, ऑन हीटिंग दिस मैग्नीशियम बर्न विद अ dazzling white light here and form powdered magnesium oxide. क्या बना देगा? White powder magnesium oxide. Clear? Which shows that magnesium is more reactive than aluminium, zinc and lead. सबसे ज्यादा reactive oxygen के साथ potassium है, फिर sodium है, फिर हमने रूम टेम्परेचर पे इनको देखा तो सबने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ. अब हमें रिएक्टिविटी पता नहीं चल रही, तो हमने थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया तो क्या देखा, ये तीनों तो बर्न नहीं हुए, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड तो बर्न नहीं हुए, लेकिन मैग्नीशियम बर्न हुआ. इट मीन्स मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. क्लियर? अब बात आई एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड की. क्लियर? नाउ आउट ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड कोई भी बर्न नहीं हुआ, तो हमने कैसे इनकी रिएक्टिविटी पता की कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ? वो हमने किया, मैंने आपसे कहा था ये सब क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं विद ऑक्सीजन. ठीक है, सबसे आसानी से ऑक्साइड की लेयर कौन बनाएगा? एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन लेड. सो मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन लेड. जिसमें से ऑन हीटिंग बर्न सिर्फ कौन करेगा? मैग्नीशियम. बाकी ये तीन बर्न नहीं करेंगे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट आयरन. क्लियर? जो आयरन है, आयरन में आपने देखा होगा, आप लोगों ने वेल्डिंग की शॉप्स देखी होंगी, वहां पे जब वेल्ड किया जाता है तो एक ब्राइट लाइट क्रिएट होती है. ठीक है, लेकिन क्या आयरन जलता है? नहीं, वो जलता नहीं है, वो मेल्ट हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जलता नहीं है. क्लियर? ब्राइट लाइट वहां पे देता है. क्लियर? तो जो आयरन है, पहली बात तो वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल हीटिंग पे भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है, ऑन स्ट्रांग हीटिंग इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड. क्या बनाएगा? ऑक्साइड की लेयर बना देगा. ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां पे? Fe plus O2 ऑन हीटिंग गिव्स Fe3O4. ये जो Fe3O4 है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयरन ऑक्साइड है. कौन कौन सा आपका? वन इज FeO. क्लियर? एक तो हमारा क्या है? FeO है, और दूसरा Fe2O3. ये दोनों बनते हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? Fe3O4. तो सोडियम एंड पोटेशियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये भी नॉर्मल पे करेंगे, लेकिन बहुत स्लो करेंगे. थोड़ा सा हीट अगर देंगे, थोड़ी सी हीट, तो मैग्नीशियम बर्न होने लगेगा. ठीक है, इट मीन्स मैग्नीशियम इन तीनों से ज्यादा रिएक्टिव है, और इन तीनों में भी ऑक्साइड लेयर बनेंगे, लेकिन सबसे पहले एल्यूमिनियम में बनेगा, फिर जिंक में, फिर लेड में. आयरन पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब हम देंगे, तब जाके हमारा ऑक्साइड की लेयर बनेगी, बर्न नहीं होगा. ठीक है, बर्न कहाँ? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तक हो गया बर्न, अब बर्न नहीं हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉपर. कॉपर, क्लियर? नाउ कॉपर भी आपका ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड. कॉपर में भी जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, बट वहां पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग हमें प्रोलॉन्ग रखनी होगी, यानी लंबे टाइम के लिए रखनी होगी. जैसे आयरन में हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, लेकिन कॉपर में हमें जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी होगी वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए करनी होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. तो Cu+O2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड प्रोलॉन्ग टाइम,
ठीक है, इट गेट कन्वर्टेड इंटू CuO, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड. क्लियर, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, अगर मैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम की बात करूं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग हीटिंग. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो भी वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. इट मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. क्लियर, ठीक है. सो देखा आपने, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी रेट है ऑक्सीजन के साथ वो क्या है, अलग अलग है. ठीक है, कोई आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई आपके नॉर्मल हीटिंग पे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई आपके स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई आपके स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहे. ठीक है, सब में हमको क्या मिलता है, जहां पे भी रिएक्ट कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड्स. क्लियर. नाउ ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, इन मेटल ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. क्लियर, ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, इन मेटल ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, दीज मेटल ऑक्साइड्स आर, फर्स्ट जो आएगा वो आएगा सॉल्युबिलिटी इन वॉटर. Solubility in water. So most of the metal oxides are insoluble in water. जो most of the metal oxides होते हैं वो क्या होते हैं, insoluble in water. But I am saying most of the metal oxide. I am not saying all metal oxide. मैंने ये नहीं कहा कि सारे metal oxide insoluble होते हैं. Most of the, यानी majority जो होते हैं metal oxides वो insoluble होते हैं water में, लेकिन कुछ metal oxides ऐसे होते हैं जो water में soluble होते हैं और alkali बनाते हैं. For example, sodium and potassium oxide. Clear? It means Na2O, it reacts with water to form NaOH. Similarly, K2O, it reacts with water to form KOH. Sodium hydroxide, potassium hydroxide. So most of the oxides are insoluble in water, but few metal oxides like sodium oxide, potassium oxide, they are soluble in water to form the alkali. Second, these metal oxides are either basic or amphoteric in nature. Amphoteric in nature. ठीक है, most of the metal oxides are basic in nature. Most of the metal oxide, यानी majority जो होंगे वो क्या होंगे, basic होंगे nature में. और हमें कैसे पता चला कि वो basic हैं, because they react with acid to form salt and water. Neutralization reaction है. Neutralization reaction में क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये जो है, यानी जो हमारे ये ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ, और क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर. इसका मतलब ये ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहे हैं, बेस की तरह काम कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर. सो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MgO, ठीक है, MgO की रिएक्शन हो रही है मान लो H2SO4 के साथ. तो ये ऑक्साइड है और ये एसिड है, ये देगा MgSO4 प्लस H2. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, बेस. दैट्स वाई इट इज बेसिक इन नेचर. सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद H2SO4 टू फॉर्म CuSO4 plus H2. Clear? But, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर.
What are amphoteric oxide? Those oxide which reacts with both acid and base to form salt and water. मतलब वो ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर तो देंगे ही देंगे, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर देंगे. मीन्स दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज, एसिडिक एज वेल एज बेसिक. उनमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, बेसिक भी और एसिडिक भी, और इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक, विच कंटेन्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म AlCl3 प्लस H2O. ये तो यही रिएक्शन हो गई, ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर. इट मीन्स ये क्या है, मेरा अभी बेस, ये अभी मेरे बेस की तरह एक्ट कर रहा है. अब इसी के रिएक्शन में करा देती हूं NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो इट फॉर्म्स NaAlO2 प्लस H2O. ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट. और यहां पे ये किसकी तरह एक्ट करेगा, अभी एसिड की तरह, क्योंकि ये बेस है और सॉल्ट और वाटर मिल रहा है. तो जो ये Al2O3 है, दिस Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये बेस और एसिड दोनों की तरह काम कर रहा है. सिमिलरली लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, ZnO, इट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म ZnCl2 प्लस H2O. एसिड तो ये बेस हो गया. ZnO, इट रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म्स Na2ZnO2 प्लस H2O. नाउ यहां पे जो ये बना है, दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, दिस इज अ सॉल्ट और यहां पे ये एसिड है, सॉरी यहां पे ये बेस है और यहां पे एसिड है. तो ZnO भी क्या हो गया मेरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट फ्यू ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वेयर एज सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट मीन्स दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, वो नेचर में एम्फोटेरिक है. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ये हमारा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट रिएक्शन विद वॉटर, रिएक्शन विद वॉटर. जो हमारे मेटल्स हैं, दे रिएक्ट विद वॉटर टू फॉर्म ईदर हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जो हमारे मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं या ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं. क्लियर? एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो मतलब जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस. क्लियर? नाउ जैसे हमने देखा था कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम स्पीड में रिएक्ट नहीं करते, वैसे ही सारे मेटल्स वाटर के साथ भी सेम स्पीड में रिएक्ट नहीं करते. कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे यानी वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ मेटल्स एट ऑल रिएक्ट करेंगे ही नहीं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल If I talk about sodium and potassium, ठीक है, so they reacts with cold water. Normal cold water के साथ भी वो react करेंगे और reaction इतनी fast होगी और इतनी ज्यादा exothermic होगी. Clear? Exothermic reactions क्या होती हैं? Exothermic reactions, those reaction in which a large amount of heat is released along with the product.
प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें मिलेगी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर वॉयलेंटली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो एनर्जी निकलती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देती है, मींस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। क्लियर? सो अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर व्हाई हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, क्यों हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेती है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। सो के प्लस H2O कोल्ड वाटर, इट गिव्स KOH प्लस H2। सिमिलरली Na प्लस H2O, इट गिव्स NaOH प्लस H2। क्लियर? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिससे हाइड्रोजन गैस में फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड इज कैल्शियम। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस में फायर लग जाए। इट इज लेस एक्सोथर्मिक, व्हाई? बिकॉज कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर? सो कैल्शियम, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज बनाने आते हों, क्योंकि 9th क्लास में हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो कैल्शियम, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, बट द रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक देन दीज टू, इसलिए हाइड्रोजन में फायर कैच नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नीशियम। थर्ड हम बात करेंगे किसकी, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब भाई मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी उतनी है नहीं, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ठीक है। मैग्नीशियम, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑन हीटिंग मीन्स हॉट वाटर, फॉर्म MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस H2। क्लियर? एंड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, अब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा ना, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो हॉट वाटर के साथ करेगा ही करेगा, तो जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बात ध्यान रखना रिएक्शन लिखते समय। क्लियर? यहाँ पे ये है मेरा हॉट वाटर, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं जिसमें लिखा हो Mg प्लस H2O और H2O के नीचे लिखा हो स्टीम, अगर कुछ नहीं लिखा है H2O के नीचे मतलब वो हॉट वाटर, अगर H2O के नीचे स्टीम लिखा है इट मींस रिएक्शन में क्या बनेगा, MgO प्लस H2, MgO प्लस H2। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जब ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे जो बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के,
जो हाइड्रोजन गैस की बबल फॉर्म होती है वो किसके साथ स्टिक हो जाती है, दे स्टिक ऑन द सर्फेस ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम. मतलब ये रिएक्शन होगी, जैसे ये रिएक्शन होगी क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी. वो हाइड्रोजन गैस जो कैल्शियम अभी तक रिएक्ट नहीं हुई है उसकी सर्फेस पे स्टिक हो जाएगी, उसकी सर्फेस पे चिपक जाएगी, जिससे वो कैल्शियम का एटम हल्का हो जाएगा क्योंकि बबल्स उस पर चिपक गए हैं, वो हल्का हो जाएगा और वो वाटर की सरफेस पे क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा. तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है दैट व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एटम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन वी रिएक्ट कैल्शियम विद द वाटर, तो इसका रीजन होगा व्हेन वी रिएक्ट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. That hydrogen gas in the form of bubbles gets sticks on the surface of the calcium and magnesium as a result of which they floats on the surface of the water. ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सरफेस पे वो चिपक जाते हैं बबल्स हाइड्रोजन गैस के, जिससे वो हल्के हो जाते हैं और वो सरफेस पे आके क्या होने लगते हैं, फ्लोट होने लगते हैं. क्लियर? तो कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन. एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन. तो ये जो तीन मेटल्स हैं, ये तीन मेटल्स आपके ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट विद स्टीम. ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स नॉट हाइड्रोक्साइड्स, कि ऑक्साइड्स बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे. ठीक है, Al प्लस H2O, हियर H2O इज स्टीम, गिव्स Al2O3 प्लस H2. सिमिलरली Zn प्लस H2O गिव ZnO प्लस H2, एंड Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. यहाँ पे ये तीनों H2O जो है ये क्या है, मेरे स्टीम. So aluminium, zinc and iron, they neither react with cold water nor react with hot water. They react with steam to form oxides and liberate hydrogen gas. तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो aluminium, zinc और iron है ये इनसे क्या है, less reactive है, they are less reactive than these. Clear? Now next, lead, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. अब अगर हम इन मेटल्स की बात करें, सो दे आर नॉट रिएक्टिव विथ स्टीम ऑल्सो. हॉट वाटर और कोल्ड वाटर तो रहने ही दो, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. क्लियर? इट मीन्स वाटर के साथ रिएक्टिविटी की सीरीज क्या हो गई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव K, that is potassium, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, then lead, copper, silver and gold. क्लियर? ठीक है, और ये हमें किससे पता चला, इन रिएक्शंस के थ्रू पता चला. क्लियर? और ये क्यों होता है, क्योंकि हर मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अलग अलग होता है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग होती है, इसीलिए ये सारे डिफरेंसेस होते हैं. अगर सबकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सेम होता, सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होती, तो सब में रिएक्शन एक ही टाइप की होती, बट ड्यू टू देयर डिफरेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड डिफरेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. क्लियर? सो ये है हमारा रिएक्शन विद वाटर. नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.
इन सारी रिएक्शंस को नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि दिस मेटल रिएक्ट्स विद दिस, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट। क्लियर? सो काफी क्वेश्चंस हैं जो कि बीच बीच में से आपके वन मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ध्यान से वीडियो देखिएगा, हर पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। थैंक यू सो मच।